to like, comment, share and subscribe. Assalamu alaikum. अभी यहाँ पे बच्चे जो है इंग्लिश पढ़ रहे हैं. ये दसवीं का यानी टेंथ स्टैंडर्ड का इंग्लिश है और इंग्लिश में यूनिट 3.5 इनका चल रहा है. द एल्केमी ऑफ नेचर यानी कुदरत का करिश्मा. ठीक है. तो ये जो पोयम है इसमें ये बताया गया है कि हम लोग जो कुदरत से जो नेचर के पास से जो भी चीजें हम लोग को मिलती है तो वो नेचर का एक करिश्मा होता है. ठीक है. तो नेचर का जो करिश्मा होता है, कुदरत का जो करिश्मा होता है, तो वो किस तरह का होता है, हम लोग को उससे जो है क्या क्या मिलता है और कुदरत को देख के हम लोग को किस तरह से सीखना चाहिए. डिवाइड द क्लास इन इन फाइव ग्रुप्स. ठीक है. डिस्कस इन द डिटेल. तो यहां पे सीड्स रीजनरेट फ्रॉम अनदर सीड्स यानी एक बीज जो होता है वो एक बीज दूसरे बीज से कैसे पैदा होता है. बराबर. यानी व्हेन वी सॉ अ सीड जब हम लोग कोई बीज बोते हैं. बराबर. Yes. बराबर की नहीं. Yes. तो वो बीज बोने के बाद व्हेन वी सॉ अ सीड व्हाट वी गेट क्या मिलता है हम लोग को. ट्री. वी गेट ट्री. पहले उसका पौधा बनता है. बराबर. Yes. पहले पौधा बनता है उसके बाद धीरे धीरे वो जब पेड़ बनता है पेड़ के ऊपर फ्रूट्स आते हैं. पहले फूल आते हैं फूल के बाद फ्रूट्स आते हैं फ्रूट्स में से फिर बीज निकलता है फिर उसी बीज को हम लोग जमीन में बोते हैं एंड अगेन द साइकिल कंटिन्यूस. ओके. फिर साइकिल कंटिन्यू होता है फिर बीज को जमीन में जाता है जमीन में जाने के बाद फिर उसका पौधा बनता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. तो ये सब चीजें फिर से शुरू होती है. ठीक है. Yes. तो यहां पे क्या बोल रहा है. रीजनरेशन इज द रिन्यूअल ऑफ गेम्पेल्स एसेशंस. ठीक है. मतलब जो हम लोग रीजनरेशन होता है ये रीजनरेशन क्या होता है कि रीजनरेशन में ये इट्स अ मतलब नए एक चीज से दूसरी चीज बनती है. ठीक है.